नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगातार जो है एक के बाद एक बड़ा सवाल खड़ी कर रही हैं। आपको पता है कि आदिवासियों की लिए मांग करती रहती हैं, शिक्षा व्यवस्था की बात करती हैं, महंगाई रोजगार की बात करती हैं। राष्ट्रपति होने के नाते एक अहम भूमिका वो है देश में निभा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष आखिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों घेर रहा है, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है संसद में बजट सत्र के दौरान अपनी अभिभाषण को दिया, तो इसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वो अभिभाषण जो है एक स्पीच थी, एक भाषण था जिसको लिख कर दिया गया और ये कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री को आपको तारीफ करनी है। ये बात लगातार जो है विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि चलो ठीक है, राष्ट्रपति जी का भाषण है, राष्ट्रपति जी ने जो कहा हम उसको स्वीकार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संवैधानिक पद पर है। लेकिन अनुराग ठाकुर का गुस्सा फूटा है। जी हाँ दोस्तों, अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर गुस्सा फूटा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए। क्या कुछ कहा है मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। जी हां, यहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान करने का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जब उन्होंने देखा कि बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ है, यह पारदर्शी और समावेशी है, तो वो एक अवाक रह गए। हां जी हाँ, यहाँ पर अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कहा है कि विपक्ष का यह रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही कहा है कि इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगने चाहिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। एजेंसी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष बार बार राष्ट्रपति का अपमान करता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनकी प्रतिक्रिया निंदनीय है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और जो है सामने आना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर कह दिया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान हम नहीं सहेंगे, आप बार बार जो है अपमान करते हैं। तो आपको यह तय करना है दर्शकों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो बात बोली थी वो ठीक है या फिर अनुराग ठाकुर जो एक माफी मांगने की अपील यहां पर विपक्ष से कर रहे हैं कि विपक्ष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है अपमान किया है, तो विपक्ष को क्या माफी मांगनी चाहिए, ये आपको तय करना है। लेकिन जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अनुराग ठाकुर जो एक बड़ा बयान दे रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने यह कहा है कि जब हमने बजट अच्छा पेश किया, जब बजट में हमने हर एक वर्ग के इंसान को शामिल किया है, तो विपक्ष का जो है खून खौल रहा है, विपक्ष को ये चीज समझ नहीं आ रही, ये चीज जो है वो लगातार समझ के बाहर हो रही है। तो क्या बजट जो 2023 का आया उससे आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।